जब हम एक ही तरफ ज्यादा देर तक सोते रहते हैं तो हमारी नाक चुपचाप एक संकेत मस्तिष्क को भेजती है और कहती है कि भाई इधर बहुत हो गया, और मस्तिष्क चुपचाप हमें नींद में ही करवट बदलवा देता है और हमारी मांसपेशियां जकड़ने से बच जाती है। ये हमारे नाक का काम है जो मैसेज भेजता है ब्रेन को कि इसको चेंज करो। आगे बढ़ते हैं, क्या आप जानते हैं कि नाक की सूंघने की शक्ति ही है जो हमें हमें बासी खाना खाने से बचा लेती है। यस, हम जब खाना खाते हैं अक्सर हमारे पास ऐसे ऐसे खाने परोसे जाते हैं, लोगों को आदत भी पड़ी हुई है, फ्रीज़र में रख देते हैं खाने को। कई लोगों को जिनके यहाँ पर रेगुलर कुक नहीं होता या खुद कुक नहीं करते, काम करते रहते हैं, वो मटन छटन खाना पाना फ्रीज़र में रख देते हैं और जब निकालते हैं तो समझते हैं कि इसको गर्म करके खा सकते हैं, लेकिन कई बार कई खाने बासी हो जाते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचा सकते हैं, उनका खाना हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे में हमारा कान काम आता है, हमारी नाक काम आती है। कैसे आती है मैं आपको बता रहा हूँ। ये नाक ही है जो अच्छे स्वादिष्ट खाने की महक को सूंघते ही तो क्या होता है कि अगर हम सूंघने की शक्ति है जो हमें बासी खाना खाने से बचा लेती है। अगर हमने ये शक्ति नहीं होती तो हम किसी भी तरह का बासी खाना खा जाते और उसमें मौजूद कीटाणु हमें बीमार कर सकते। आगे बढ़ते हैं, ये नाक ही है जो अच्छे स्वादिष्ट खाने की महक को सूंघते ही हमारे लार टपकाने लगती है, जिसे हम मैं अभी ऊपर की बात को और डिटेल बताऊंगा कि जब हम खाना खाने लगते हैं तो कई बार आपने देखा होगा, इवन होटल में भी मैंने देखा कई ग्राहक को भड़कते हुए देखा जब वो खाना बोलते क्या है क्या लेकर आए तुम, बोला कि निशा साहब ठीक है, अरे क्या ठीक है, बासी लगता है, इसमें बास आ रही है। अब ये नाक जो हमें कहती है कि ये खाना मत खाओ, अगर ये हमारे में शक्ति नहीं होती तो जो खाना हमको दिया होता तो हम खा लेते, और बासी खाना तो आप जानते हैं उसके अंदर कीटाणु पड़ जाते हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, वो धीरे धीरे हमारे पेट में गया तो हमको नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए आपको इसका फ़ायदा है नाक का कि आप उसको सूंघ के बता सकते हैं कि ये खाना बासी है या असली या फ्रेश है। एक और गुण की बात करते हैं, कभी आप देखते हैं जब आप स्वादिष्ट खाना खाते हैं तो आपके मुंह में लार टपकने लगती है। ये नाक ही है जो अच्छे स्वादिष्ट खाने की महक को सूंघते ही हमारे लार टपकाने लगती है। हमारे ग्लैंड जिसे सलीवरी ग्लैंड कहते हैं वो सिग्नल भेजता है और लार टपकनी शुरू हो जाती है। जब बहुत अच्छा खाना हमें मिलता है ना तो ब्रेन से मैसेज जाता है सलीवरी ग्रंथि को कि सलाइवा बहाओ, तो सलाइवा आने लगता है। और ये एक्चुअली देखा जाए तो खाने को सही ढंग से बचाने की शुरुआत मानी जाती है, जो एक खाने को गीला भी करती है ताकि खाना पचने में आसान हो जाए, उसको गीला करती है। हमारे मुंह में जो लार आता है खाने को पहले तो गीला करती है ताकि पचने में आसानी हो। दूसरा, इसके अंदर एक तरह का एंजाइम होता है, आई थिंक एमिलेज, मुझे नाम पूरा याद नहीं आ रहा, पर एक तरह का उसके अंदर एंजाइम रहता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है, जो खाने में मौजूद स्टार्च को पचाने में मदद करता है। लार आने से मौजूद कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करती है। इसलिए बंधुओं, लार का टपकना अत्यंत आवश्यक होता है और ये तभी मुमकिन है जब खाने में मज़ा है। खाने को देखो, सूंघो। कई लोग ये सोचते हैं कि जिसके मुंह में खाने की देखकर पानी आता है वो पेटू है। गलत, ये पाचन क्रिया को पहली ज़रूरी क्रिया है जिसका होना अत्यंत आवश्यक होता है। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत हमारा एक बहुत ही आजकल की दुनिया का बहुत बड़ा ये एक मैं समझूंगा कि एक गलत रिवायत हो गई है कि जब हम खाना खाते हैं तो टीवी देख रहे हैं, जब हम खाना खा रहे होते हैं फ़ोन में बात कर रहे हैं, जब हम खाना खा रहे होते हैं किताब पढ़ रहे होते हैं। नाउ दीज थिंग्स शुड नॉट बी डन। व्हाई? आई विल टेल यू। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि लार आना बहुत ज़रूरी है। लार आना को ये नहीं बताता कि बहुत पेटू है, लार इसलिए आता है कि उसको कार्बोहाइड्रेट को पचाना है। हमारा डाइजेशन सिस्टम एलिमेंट्री कनाल जो है यहाँ से शुरू होता है। आपको मैं अगर थोड़ा सा डिटेल बता दूँ, आप मुंह आपका पहला प्रवास है जहाँ से खाना अंदर जाता है। ये पूरा जो हमारा जो है एलिमेंट्री कनाल बोला जाता है, मुंह से खाना जाता है, इसोफेगस में जाता है, स्टमक में जाता है, स्टमक उसको मथता है, उसके बाद वो डियोडिनम में आता है,
फिर नीचे जाता है, लिवर उसको देता है बाइल, यहाँ से पेनक्रेटिक ग्लैंड उसको जो है वो इंसुलिन वो देता है इंसुलिन, और वो जाता है खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन 32 फीट की नली है जिसमें खाना बढ़ते 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 एंजाइम्स अटैक करते हैं, इंटेस्टिनल जूस अटैक करता है, और खाना धीरे 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 इतना पतला इतना लिक्विड हो जाता है कि उसके पीछे जो रक्त की नलियाँ होती है उसको सोख लें। सो दिस इज द प्रोसीजर। पर ये सारी चीज़ें धीरे धीरे, ग्लूकोज पचता है, कार्बोहाइड्रेट पचता है, आगे जाके प्रोटीन पचता है, तब जाके धीरे धीरे खाना पच जाता है, तब हम कहते हैं कि खाना पच गया, उसको बोलते हैं डाइजेस्ट हो गया। लेकिन शुरुआत डाइजेशन की मुंह से हो, फर्स्ट स्टेशन, उसमें जो मैंने आपको बताया कि जो लार ग्रंथि से लार बहती है वो एक्चुअली डाइजेशन को शुरू करती है। वो खाने का जो स्टार्च होता है, जो मैक्सिमम होता है मोस्टली कार्बोहाइड्रेट, उसको पचाने में मदद करती है। अगर वो नहीं आया तो खाना हमारा ऐसे चला जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट आगे जाके नहीं पचेगा इतना जितना पहले पचता है। इसीलिए लार आना बहुत ज़रूरी है। और लार तब आएगा, मैं आपको बताता हूँ लार कैसे आता है। देखिए, हमारा जो शरीर है, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है कि जब हम खाना खाने की सोचते हैं, कई लोगों को तो सोचते सोचते ही मुंह में पानी आ जाता है। कई लोगों को ये लगता है कि अंदर से मम्मी बना रही है, अरे पकौड़े की स्मेल आ रही है, अरे मम्मी क्या बना रही हो, पकौड़ा बना रही हो, हाँ, तो उसके पता लगा उसके मुँह में पानी आ जाता है। एक और सिस्टम ऊपर वाले ने दिया है, हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है जिसको हम एसिड कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो इतना स्ट्रांग होता है कि जिंक को भी पिला सकता है। और वो ऊपर वाला बोलता है चलो चलो, वो बोलता है चलो जी तैयार हो जाओ, खाना आने वाला है, चलो आप अपनी दीवारों से जो है वो जो है डाइजेस्टिव जूस को निकालो, जो एक्चुअली ग्लूकोज को बचाएगा। तो ये सिस्टम खाने से पहले शुरू हो जाता है, और ये सिस्टम नहीं शुरू होगा अगर आप खाने की तरफ जाओगे नहीं। हम खाना के टेबल पर खाना रखते हैं, खाना सर्व होता है, मम्मी रख कर देगी, पर आपका फ़ोन चल रहा है उस वक्त, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, बॉस हो सकता है, आप उससे बातें करते हैं, मम्मी बोलती खाना रख दिया, बोला हाँ मम्मी रख दो, वो करते हैं, जब वो बोलते हाँ हाँ बॉस बॉस यस यस आई विल डू दैट आई फिनिश दैट, वो ये, और वो रखते 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 खाने को देखता है, कभी कभी वो बात करते करते भी वो करता है और मुँह में खाना डालता है और खाता है। ये अक्सर होता है, बच्चे लोग टीवी देखते हैं, कार्टून नेटवर्क देखते हैं, मम्मी उसको बोलते चल दूध पी ले, हाँ मम्मी मम्मी दो, बोले दल दल दूध पी ले, तो वो बोला तो करके लगाते हैं, देख मार रहे हैं। आपका लार नहीं बनेगी। लार का पहला गुण है कि आप खाने को देखो, उसको इंजॉय करो, उसकी स्मेल को लो, वो स्मेल, वो देखने का आनंद, सुगंध आपके अंदर लार पैदा करती है। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि खाना खाने के टाइम सिर्फ खाने पर ध्यान दो। जो आदमी नीचे आंख करके खाना खाता है बेस्ट खाना खाता है, जो आदमी खाना खाते खाते इधर उधर देखता है गड़बड़ है। सो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लार क्यों टपकती है, उसका टपकना क्या जरूरी। आगे बढ़ते हैं, चलिए मैं आपको आवाज़ की बात बताता हूँ। एक आवाज़ जो है वो कैसे बनती है वो बाद में कभी आपको बताऊँगा जब हम फेफड़ों की बात करेंगे। आवाज़ जो है वो डायफ्राम से निकलती है, लंग्स में से हवा निकलती है बाहर, और ऊपर से मुंह से निकलती है, तो हम आवाज़ कहते हैं। आवाज़ की रेजोनेशन क्या होती है? एक अच्छी आवाज़ की गूंज, जिसे हम इंग्लिश में रेजोनेशन कहते हैं, वो उसके लिए नाक का पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। आप बोलोगे आवाज़ तो मुंह से निकलती है, नाक से क्या मतलब है? मतलब बहुत बड़ा मतलब है, आवाज़ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए नाक का सहयोग बहुत ज़रूरी है। जब आपको सर्दी, या एग्जाम्पल देखिए, जब आपको सर्दी हो जाती है, आपका नाक जाम हो जाता है, जब पूरा सर्दी होती है, तो आप देखिए कि आपकी आवाज़ की क्या हालत होती है। उस वक्त की आवाज़ आप देखिए, मुझे खाना दो, आपकी आवाज़ की क्वालिटी बदल जाती है, क्योंकि उसके भी आवाज़ में से नाक में से हवा नहीं आ रही, क्योंकि नाक जैम है। सर्दी में आवाज़ बदल जाती है, आपने अक्सर देखा होगा। एक अच्छी सुरीली दमदार और गूंजने वाली आवाज़ वो है जिसमें फेफड़े की निचले भाग, जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, उसके साथ गला और मुंह गुफा तो चाहिए ही, क्योंकि तो आवाज़ यहीं से निकलेगी, तो ये माउथ की जो गुफा है वो तो चाहिए ही, लेकिन नाक का योगदान भी आवश्यक है, न ज़्यादा न कम, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होगा तो आपका आवाज़ भी बदल जाएगी, तो न ज़्यादा न कम। आवाज़ का नेज़ल यानी नासिका का योगदान ही आवाज़ को पूर्ण करता है।
बिना नासिका की आवाज बहुत भारी और कर्कश लगेगी। तीनों का मिश्रण जरूरी है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको और डिटेल में बताता हूं।